जय माता दी साथियों, मैं नंद विश्वकर्मा आप सभी का अपने चैनल नंद विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए शिक्षण विधियों में आगमन विधि का संपूर्ण चैप्टर लेकर आया हूँ। आज मैं प्रयास करूँगा कि इस वीडियो में आगमन विधि का पूर्ण चैप्टर कंप्लीट कर दूँ। सबसे पहले आगमन विधि की परिभाषा, सूत्र, पद, लाभ, महत्व, दोष, उदाहरण। और यदि आप मेरे द्वारा दिए गए उदाहरण को समझेंगे तब आपको इसके निम्न फायदे होंगे। पहला फायदा तो होगा कि आपको इसके दोष याद करने नहीं पड़ेंगे, गुण याद करने नहीं पड़ेंगे और आपको वास्तविकता समझ में आएगा कि आगमन विधि कहलाती क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं आगमन विधि की परिभाषा। तो आगमन विधि वह विधि है जो नियम उदाहरण से नियम की ओर चलती है, आगमन विधि होती है। वह विधि जो उदाहरण से नियम की ओर चलती है, आगमन विधि होती है। आप कहेंगे सर ये तो हमें जानकारी थी कि आगमन विधि और निगमन विधि एक उदाहरण से नियम की ओर चलती है, एक नियम से उदाहरण की ओर चलती है। लेकिन सर हमें भ्रमित तब होते हैं जब क्वेश्चन में आता है कि कौन सी विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है, तो हम कई बार निगमन विधि लगा देते हैं। तो इसके लिए मैं एक सही तरीका बताऊं। जैसे कि आपको पता है आगमन इस प्रकार लिखा जाता है। तो आगमन में क्या है आ, तो आ से आप याद रखें कि उदाहरण। आगमन से क्या इसका याद रखें, आ से रखें और याद करें उदाहरण। तो यह विधि कहां से आती है, उदाहरण से नियम की ओर। अब देखें निगमन विधि, तो निगमन विधि में आप क्या रखें, इसकी क्या ध्यान रखें कि नी से हो जाएगा नियम। तो निगमन विधि कहां से कहां की ओर जाती है, नियम से उदाहरण की ओर। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर। आगमन विधि के जो जनक थे वह अरस्तु कहे जाते हैं। आगमन विधि के जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को। आगमन विधि के मुख्य रूप से तीन सिद्धांत प्रचलित हैं। पहला सिद्धांत है विशिष्ट से सामान्य की ओर, दूसरा ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा स्थूल से सूक्ष्म की ओर। आप इन सिद्धांतों को अच्छी तरह याद रखें क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि इनमें से कौन सी विधि है जो विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर चलने वाली विधि अपनी आगमन विधि है। निम्न में से कौन सी विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है, तो कौन जाती है, आगमन विधि। निम्न में से कौन सी विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है, तो कौन सी विधि जाती है, आगमन विधि। अब आगमन विधि के पद देखते हैं। क्या यदि हमें सवाल को आगमन विधि से हल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, अगर बस आगमन विधि से बच्चों को सवाल लगवाने हैं तो सबसे पहले हम उनके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उदाहरण देना पड़ेगा कि बच्चों आप इसे हल करके दिखाओ। उदाहरण के आधार पर निरीक्षण करना, जब वो सवाल लगा लेते हैं तो उनकी हमें क्या करना, चेक करना कि उन्होंने सवाल जो लगाया है वह सही है कि गलत है। फिर सामान्यीकरण करना अर्थात उसे सही या गलत का जानकारी देना। नियमों की सत्यता निर्धारित करना, जब उसने आगमन विधि का लगाया तो किस प्रकार उसने नियम लगाए, कहां पर कौन से नियम लगाए, उसको निर्धारित करना। फिर इसके बाद अंतिम चरण इसका होता है नियमों की सत्यता की पुष्टि करना, तो उसे वास्तव में सर्वमान्य अंतिम चरण में किया जाता है। तो यह थी आपकी आगमन विधि की परिभाषा, जनक, सूत्र और पद। एक बार इसका सभी का रिवीजन कर लेते हैं। आगमन से आ से याद रखें कि आप यह उदाहरण से नियम की ओर चलती है, इसके जनक आपके आ से ही हो जाएंगे अरस्तु। आगमन विधि उदाहरण से नियम और आ से अरस्तु। इसके मुख्य रूप से तीन सिद्धांत हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। आगमन विधि के जो पद होते हैं वह निम्न प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले बच्चों के सामने उदाहरण दिया जाता है, फिर उसके उदाहरण का निरीक्षण किया जाता है, फिर उसे सामान्य में सही या गलत बताया जाता है, फिर उसके द्वारा सवाल हल किए गए कि उस सत्यता की निर्धारित की जाती है, और बाद में उन नियमों को जो उसने लगाए हैं उनकी पुष्टि की जाती है कि आपके द्वारा प्रतिपादित किए गए नियम पूर्णतः सत्य हैं। अब देखते हैं हम आगमन विधि का उदाहरण, उदाहरण के माध्यम से आगमन विधि को समझने का प्रयास करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर सवाल लिख दिया गया है, 200 रुपए का 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करो। हम इस सवाल को आगमन व निगमन दोनों विधियों से हल करेंगे। फिर आपसे स्वयं कहेंगे किसमें दोनों विधियों में आप बताइए कौन से दो गुण हैं और कौन से दोष हैं। अभी प्रेजेंट में हमारा मुख्य लक्ष्य रहेगा आगमन विधि को समझाने का, लेकिन यदि
आपको निगमन विधि भी समझ में आती है तो ठीक है, आप प्रयास कर सकते हैं। नहीं आती है तो इसके लिए अलग से मैं चैप्टर बनाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसे आगमन से हल करते हैं। आगमन में एक बात आप याद रखें कि कभी भी सूत्र का प्रयोग नहीं करते। आगमन विधि में किसका प्रयोग नहीं करते? सूत्र का प्रयोग नहीं करते, बल्कि सूत्र का निर्धारण करते हैं, सूत्र बनाते हैं। सो दिया गया है 200 रुपए का 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करो। तो 5% का तात्पर्य है 100 रुपए में 5 रुपए ब्याज हो। तो दिया गया है 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज, तो कितना आएगा? 5 रुपए, क्योंकि 5% है। यदि 8% होता तो 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज कितना होता? 8 रुपए। अब यहां पर लिखेंगे 1 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज, तो क्या हो जाएगा? 5/100, ठीक है ना। यह ज्यों का त्यों रहेगा, यहां पर आ जाएगा 1/20, ठीक है, इतना तो बन जाएगा। अब जब 1 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज 1/20 है, तब 200 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज, तो क्या करेंगे? 1/20 में 200 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? क्योंकि 1 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज 1/20 है, तो 200 रुपए का क्या हुआ? 1/20 गुणे 200, तो 0 से 0 कट जाएगा, तब हमें क्या प्राप्त होगा? 10। तो 200 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 10 रुपए। अब देखें 200 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज, तो 200 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज 10 निकला, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 20। कि हमने किस समय विधि से हल कर दिया? आगमन विधि से हल कर दिया। अब हम इसी सवाल को निगमन विधि से हल करें, तो इसमें हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसलिए सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया है। दिया है में क्या लिख देंगे? मूलधन 200, दर 5, समय 2। सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय 100। मूलधन के स्थान पर हम 200 रखेंगे, दर के स्थान पर 5 रखेंगे, समय के स्थान पर 2 रखेंगे, 100। 1, 2, 1, 2, 5 × 10 × 20। हम दोनों विधियों से सवाल को हल कर चुके। अब देखते हैं किस विधि में कौन से गुण हैं, कौन से दोष हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आगमन विधि। जो आगमन विधि होती है वह छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए उपयोगी होती है, और जो निगमन विधि होती है वह बड़ी कक्षा के बच्चों के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि सूत्र याद करने पड़ते हैं तो बच्चे सूत्र आसानी से याद कर लेते हैं। देखें आगमन जो विधि होती है यह अज्ञात से ज्ञात की ओर होती है, हमें कुछ पता नहीं होता है, हमें ज्ञात करना पड़ता है। आगमन विधि जो होती है वह ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है। यहां पर बोलने में मिस्टेक हो गया है, आगमन विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका लाभ है। यहां पर हम गुण भी लिख सकते हैं, लाभ भी लिख सकते हैं, गुण लिख दें यहां पर, इसका गुण लिख दें। इसका अपना समझ रहे हैं वो अलग बात है, इसका अलग से पाठ बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, समझाएंगे। तो आगमन विधि का सबसे पहला गुण होगा कि यह छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है। कौन से बच्चों के लिए उपयोगी है? छोटे बच्चों के लिए। यह है बड़े बच्चों के लिए उपयोगी है। आगमन विधि का दूसरा गुण हो जाएगा, हमें इसमें सूत्र याद करना नहीं पड़ता। आप देख सकते कहीं हमने सूत्र लगाया है, नहीं लगाया है, हमें इसमें सूत्र याद करना पड़ता है। आप इसमें देखें ज्यादा मानसिक शक्ति, मानसिक और तर्क शक्ति का व्यय इसमें हुआ कि इसमें,
इसमें मानसिक शक्ति बढ़ती है, इसमें मानसिक शक्ति नहीं बढ़ती। इसके आगे देखें, इसके द्वारा सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है। हम एक बार इस विधि से हल करवा कर लेंगे पर वो कभी भूलेगा नहीं, ठीक है ना। तो पहला यह छोटे कक्षा के लिए उपयोगी है। इसके द्वारा सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है, इसे मानसिक शक्ति की वृद्धि होती है, तर्क बढ़ती है, और यह एक कह सकते हैं कि यह एक बच्चों में तलाशने की गुण विकसित करती है, अर्थात खोजने की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है। अब इस विधि के कुछ दोष देखते हैं। सबसे पहला दोष है इसमें समय और शक्ति दोनों अपव्यय होता है। क्या होती है समय और शक्ति के क्या होता है अपव्यय होता है। पहला यानी खर्च होते हैं, अधिक समय लगता है, अधिक शक्ति लगती है। यह है इस विधि को जो छात्र हैं हुआ है शीघ्रता से शीघ्र नहीं समझ सकती। दूसरी बात यह कमजोर छात्रों के लिए नहीं है, कमजोर छात्रों को पढ़ समझने के लिए टाइम अधिक लगेगा। यह है एक है कह सकते हैं कि रुचिपूर्ण विधि नहीं है, अर्थात बच्चों को पढ़े से इलहार करने में मजा नहीं आता। यह रसहीन विधि है। तो आपने आगमन विधि के गुणवा दोष दोनों देखी। यदि आपको अब ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी साथियों।